वंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारे देश का आम बजट पेश किया गया है, तो हमारे अंदर जानने की उत्सुकता है कि आखिर जनता को ये बजट पसंद आया या नहीं। तो आइए जानते हैं मुरादाबाद की जनता से कि उन्हें ये बजट कैसा लगा। भैया, हमारे देश का बजट पेश हुआ है तो आपको क्या लग रहा है, सरकार ने जो है जेब भरी है या जेब खाली कर दी है? मैम, हम मीडियम क्लासेस की तो जेब खाली करी है सरकार ने, हम लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचा है खास जो हमें बेनिफिट मिले। और देखिए, एक तरफ जो है सरकार रेलवे हो, एयरपोर्ट सब बेचने में, मतलब प्राइवेट सेक्टर को देने में लगा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, कहीं ना कहीं ये सरकार गलत कर रही है, थोड़ा ऐसा ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा अपने अंडर में भी सरकार को रखना चाहिए, जो बेनिफिट आम पब्लिक को मिले, सिर्फ कुछ लोगों को ही ना मिले, सब पब्लिक को मिलना चाहिए इसका बेनिफिट। और भैया, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, किसान आंदोलन का मैं समर्थन भी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। जिस हिसाब से 26 तारीख की घटना हुई है वो बहुत देश के लिए निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। आंदोलन सही जगह चल रहा था लेकिन ये 26 के बाद बिगड़ गया है। लेकिन भैया, एक सवाल ये उठता है ना, लाल किले पर इतनी फोर्स थी, इतनी सिक्योरिटी थी, वो बंदा चढ़ कैसे गया? तो इसमें सरकार की विफलता नहीं दिखाई देती? मैम, सिक्योरिटी से ज़्यादा किसान थे वहाँ, किसान भी नहीं कह सकता मैं उन लोगों को, वो अलग ही लोग थे, वो हम भी नहीं समझ पाए क्या थे वो। उसके आगे सिक्योरिटी जिस हिसाब से थी वो काफ़ी नहीं थी उन्हें रोकने के लिए। भैया जी, हमारे देश का बजट जो है आ चुका है, तो आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको बजट? 4 सालों से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार। अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जेब भर गई है या फिर खाली कर दी गई? खाली भी नहीं है, हमारा तो सही चल रहा है काम पिछली बार से, अच्छा है। नहीं, काम से मतलब नहीं, बजट से बताइए, एक मिडिल क्लास होने के नाते, एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के नाते बजट कैसा लगा आपको? पहले से तो कम असर है लेकिन फिर भी पहले से अच्छा लगा, हमें हमारे लिए तो सही है। और किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन भी बेमतलब का है, सब MSP वगैरह सब जब खुली है तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बेमतलब का किसान आंदोलन हो रहा है, और मतलब आप सरकार की तरफ है कि सरकार ने जो नियम लागू किए वो सही है? भैया, हमारी सरकार ने हमारे देश के लिए बजट पेश किया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैंने बजट ना पूरा पढ़ा नहीं है एक्चुअली। मैडम, हमारे देश का जो है बजट पेश किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार का बजट कैसा है, बढ़िया है या ठीक ठाक है? नॉर्मल ही लग रहा है। मतलब इससे हम लोगों को, मतलब जो मिडिल क्लास है उनको कुछ फायदा हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही है। मतलब जेब आपकी खाली हुई है या भरी है सरकार ने? अरे, खाली भरी नहीं है, ये बेसिक मजदूर के, आम मजदूर के फर्क। और जैसे रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, सब कुछ बेच रहा है सरकार, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे क्या कहना है, ये है कि जो मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए उसी के हिसाब से बजट पेश करना चाहिए। तो आप खुश नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। और किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? किसान की भी मांग ठीक है, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे दिन खेती में काम करते हैं, जैसा वो काम करते हैं वैसे ही उनको मिलना चाहिए। देश का बजट जो है वो पेश हो चुका है, तो बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बजट? अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है इस बजट से मिडिल क्लास लोगों को क्या फ़ायदे हुए हैं? फायदे दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, क्या फायदे, ऐसा क्या बताएं, फायदा ही है। अच्छा, और किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन के बारे में आपके प्रस्ताव वापसी ले लिया उन्होंने, जो 3 वो करी थी वो वापसी ले ली है। भैया, हमारे देश का बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब जनता के हित में है या अहित में? मैडम, ये तो जो लोग राजनीति देखते हैं वही जानते होंगे, मैं इसमें ज्यादा नहीं जान पाता। नहीं, राजनीति वाली तो बात अलग रही, बजट तो आम जनता के लिए पेश हुआ है ना, तो आप बताइए। हाँ, ये देश के हित में योगा, हमारे बड़ों ने करा तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने कुछ सोचकर ही करा। भैया, हमारे देश का बजट पेश हुआ है तो आपको क्या कहना है, सरकार ने आपकी जेबें भरी हैं या खाली कर दी हैं? नहीं, जेबें तो हमारी भरेंगी ही सरकार, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, देश के हित में ही काम कर रहे हैं सारा ही। अच्छा, सारे काम देश के हित में हो रहे हैं? जी जी। तो किसानों के साथ जो हो रहा है वो भी देश के हित में है? देखिए, किसान अपने खेत में है और जो वहाँ जो लोग बैठे हैं वो सबको पता है कौन लोग बैठे हैं, उनको कौन चला रहा है, सबको पता है उनके बारे में। तो मतलब वहाँ पे कोई किसान नहीं है और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें से कोई भी किसान नहीं है? वहाँ किसान बैठे हैं, पर वो जो किसान बैठे हुए हैं वो सिर्फ नेता लोग हैं, किसान नहीं है, सब बहुत बड़े बड़े हैं। सबके अगर आप देखेंगे तो सबके जो टर्नओवर है खरबों में है।
अच्छा एक बात और, हमारी जो सरकार है वो रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो सबको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने पे लगी हुई, इसका ये भी हमारी सरकार जो हमारे हित में कर रही है। देखिए आज छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो हम जैसे कि आप सुन देख लीजिए, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम कोई ऐसे थिएटर में ना जाके अच्छे थिएटर में जाते हैं, हमें सुविधा मिलती है वहाँ पर। अगर सरकार उसको प्राइवेट कर रही है तो वो उसकी सुविधाएं भी देगी। तो मतलब सरकार हमें उतनी सुविधा नहीं दे सकती है, इसलिए प्राइवेट हमें उतनी सुविधा दे सकता है। जी, क्योंकि सरकारी में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में शायद ज़्यादा भ्रष्टाचार ना हो और सुविधाएं ज़्यादा मिलें। हम लोग आज भी चाहेंगे तो अगर कोई अगर किसी को बीमारी भी जाती है तो सरकारी में ना जाकर वो प्राइवेट में जाता है, क्योंकि उसको सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती है। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है पर सुविधाएं ज़्यादा हैं। और आजकल का जो मीडियम क्लास है या अपर क्लास है या कोई भी हो, वो अपनी अच्छे उसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर ही जाना पसंद करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बच्चों के स्कूल नहीं देख लीजिए, जितना भी है सब गवर्नमेंट कॉलेज में कम जाकर आपके दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से सरकार की विफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से चला नहीं सकते। अब जो देश को चलाने वाली सरकार है वो अब आई है, जब तो जो पहले थी वो सब ऐसे ही कर रहे थे। अब क्या, बहुत दिन हो गए, अभी इस साल तो आई नहीं है। काफ़ी टाइम है आपको। देखिए अब आप थोड़ी सी बात ही रहेंगे तो आज सबसे देश की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आपको पता होना चाहिए कौन सी है। पहले हम देखते थे दूसरे विदेशों की ज़्यादा चीज़ें होती थी। सबसे ऊपर टनल, सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो टनल है वो हमारा ही है। भैया ये सब बढ़ाने से क्या गरीबों के पेट भर जाएंगे? गरीबों का पेट भरेगा, ऑब्वियसली भरेगा, क्यों नहीं भरेगा। देखिए 6 महीने तक राशन फ्री किसी सरकार ने नहीं दिया, इस सरकार ने दिया, और किसकी जेब से दिया? वो मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली व्यापार मंडल की तरफ से ही, वो जो बड़े व्यापारी हैं उन लोगों की जेब से ही दिया होगा। तो ऐसा है कि सरकार अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करती है, हमेशा व्यापार पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। ये बताना है कि जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कि हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं? थोड़ा जल्दी में। अरे मैम इतना तो बता दीजिए, क्या बताऊँ मैं, जो भी आपको लग रहा है वो बता दीजिए। भैया जी हमारा बजट पेश हुआ है, तो इस बजट से आप क्या कहना है आपका, कि आपकी जेब भरी गई है, मतलब जनता की, या जेब खाली कर दी गई है? माननीय मोदी जी के वायदे तो बहुत सारे रहे हैं, आपको भी पता होगा कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, और जैसे वो बजट अपना पेश करते हैं कहीं भी आते हैं कि कितना चाहिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो हमारी समझ से जैसे GST बाहर है, किसान बिल बाहर है, तो ये बजट ही हमारी समझ से बाहर है। और किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना? पूरा देश का समर्थन है, अगर आप आज EVM हटा दें तो मैं नहीं समझता मोदी जी 25 सीट भी ला पाए। हमारे देश का बजट पेश किया गया है, तो आपका क्या कहना है, मिडिल क्लास के लिए फायदा हुआ है या नुकसान? बेटा ये हमें मालूम नहीं, हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा किसान आंदोलन के बारे में आपको जानते हैं? किसान आंदोलन बढ़िया चल रहा है इस टाइम, मतलब किसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अब ये हमें नहीं मालूम कानून का, लेकिन इतना हम जानते हैं कि डटे रहे सब। अच्छा सरकार जो भी, इतना तो आपको पता होगा, सरकार जो भी काम कर रही है आप उससे खुश हैं या खुश नहीं? खुश हैं हम। खुश हैं सर, हमारी सरकार ने 2020-21 का बजट पेश किया है, तो आपका क्या कहना है, सरकार ने जो जनता की जेब भरी है या खाली कर दी? देखो गवर्नमेंट ने जो कुछ करा है वो सही करा है, बजट बिल्कुल सही है, ना किसी की जेब खाली करी है ना भरी है। और जो ये रेलवे हुआ या फिर एयरपोर्ट हुआ, जो ये बेच दिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो आदमी अगर साधन ज्यादा चाहोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा उनके लिए। ये नहीं तो बेचा क्यों, मतलब बेचना आपके हिसाब से सही था? जो मतलब बेचा है उनके हाथ में सौंप दिया गया, वो आपके हिसाब से सही है? ऐसा है, जो कर्मचारी वगैरह काम नहीं कर रहे थे और सारा इसमें गंदगी हो रही थी, वो सब खत्म करने के लिए बेचना ही एक साधन है, और कोई वो नहीं था। अच्छा मतलब ये समझ में आता है कि ये सरकार की विफलता है कि खुद नहीं संभाल पा रही तो दूसरे के हाथ में बेच मतलब दे दे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अच्छे संसाधन मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए उन्होंने बेचा है। और किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? किसान आंदोलन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा, ज्यादातर लोगों को कानूनों का पता ही नहीं है।
लेकिन वो बहस कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए तीन कानूनों के। नहीं मैंने भी नहीं देखा कानून, मैंने भी नहीं पढ़े। सर ऐसे मत कहिए, आपने कानून नहीं पढ़े। मेरे कहने का ये तीनों कानून मैंने भी नहीं पढ़े कि मैं इस पर डिबेट नहीं कर सकता हूँ। नहीं सर, अगर आपने पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसान गलत कर रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा किसान गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाए हैं संसद से पास हुए हैं, सब कोई गधे तो थे नहीं जो ऐसा कानून बना रहे हैं। कानून अच्छा है और कानून के उनके किसानों के हित में है। सर हमारी सरकार ने बजट पेश किया है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ने जनता के पेट को भरा है या जनता की जेब को ही खाली कर दिया है? बजट में बस एक ही है कि इन्होंने जो कोरोना के मामले में जो बजट ज्यादा किया है वो तो सही किया, बाकी कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बजट में कोई ऐसा हो कि जिससे कोई जनता का फायदा होता हो या कोई आम नागरिक का फायदा होता हो। वो सब जो लीपा पोती पहले से चली आ रही है वही की कोई नया उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। मतलब मिडिल क्लास के लोगों को कुछ फायदा हुआ है? कुछ फायदा नहीं है। अब एक बुजुर्गों के लिए किया जो 75 साल से ज्यादा हैं, वो तो वैसे ही रिटायर हो जाते हैं, उनकी कमाई का क्या जरिया है? उनके लिए छूट दी गई है, लेकिन जो बीच के हैं युवा हैं जो जिनके कोई आय है उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है, कोई मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कोई छूट नहीं दी गई है। और ये जो किसान जो हैं दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना? ये आंदोलन सही है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया है, कितना ही भंडार कर लीजिए, किसान का माल लेके उसको भंडार कर लेंगे बड़े बड़े लोग और किसान जो हैं वो बेचारे परेशान होंगे और वो भंडार करने के बाद में आज मद्दा करके किसान का अनाज लेंगे भंडार कर लेंगे, कल को जो है फिर वो उसको महंगा करके, ये इससे जो फायदा होगा जो बड़े बड़े उद्योगपति या जो वैसे हैं कॉरपोरेट लोग जो हैं वो फायदा उठाएंगे इसका, आम किसानों कोई फायदा नहीं होगा। और एक जो सरकार का न्यूनतम मूल्य है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उससे ये नुकसान होगा कि जब वो मूल्य ख़त्म हो जाएगा तो किसान का बहुत ही कम रेट पे माल खरीद लेंगे, उसके बाद जब किसान का माल ख़त्म हो जाएगा उसको बढ़ा कर रेट बेचेंगे, तो इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सही जो किसान आंदोलन है वो सही दिशा में चल रहा है, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए और ये जो पारित किए गए हैं कानून वापस होने चाहिए हर हाल में। और ये जो हमारी सरकार है रेलवे हो या एयरपोर्ट सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने पर तुली हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? ये भी ये प्राइवेट क्षेत्र में सभी तरह सबको प्राइवेट क्षेत्र में, जब ये सत्ता में थे तो ये कहते थे स्वदेशी लाइए या इसको ये करेंगे, आज सब चीज़ जो प्राइवेट क्षेत्र में सौंपते जा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, रेलवे प्राइवेट में चला जाएगा। आज टिकट अगर हम कहीं जाते हैं तो जहां मान लीजिए 100 रुपये का है तो प्राइवेट में जाके वही 500 रुपये का हो जाएगा, तो इससे जो है आम नागरिकों को जितने प्राइवेट क्षेत्र में जो भी जा रहा है हवाई जहाज जा रहा कोई भी उद्योग जा रहा तो उससे एक गरीब आदमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर सुविधा अगर मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, जो हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनकी पहुँच से बाहर हो जाएगी, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। सर हमारे जो सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें कुछ नहीं, मीडियम क्लास के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। तो मतलब आप खुश नहीं हैं बजट से? नहीं, उनको कोई सहूलियत नहीं है और ये तो उसको छोटे लोगों के लिए जो वो कर रखा है राशन कार्ड वगैरह का उसमें भी ये सब बंद करने के मूड में है, मुझे ऐसा लगता है हम भी कुछ देने के मूड में नहीं है जनता को। तो अगली बार देंगे मोदी सरकार को वोट? हमारे हिसाब से तो नहीं लगता। मुरादाबादियों से बात करके हमें एक बात पता चली, कुछ लोगों को बजट पसंद आया, कुछ लोगों को लग रहा है कि बजट ने उनकी जेब भी खाली कर दी, वहीं कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि बजट में क्या है। अगर भारत में ही रहकर भारत के बजट के बारे में ही आपको जानकारी नहीं होगा तो कैसे चलेगा भैया? अगर आपको ये हमारी पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।